हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। हम कर रहे हैं जैन 2017 के पेपर 3 के क्वेश्चन। दिस इज पार्ट 4। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 पार्ट्स, जिसमें हमने पेपर 2 जो है वो कवर किया है और पेपर 3 के जो है वो 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा बेस्ड है Which aspect of economic development did Gunnar Myrdal concentrate upon? ऐसे कौन से aspect थे economic development पे के जिस पे Gunnar Myrdal ने जो है वो concentrate किया था? Capital scarcity पे, human resource scarcity पे, regional inequalities पे या फिर population exploitation पे? तो Gunnar Myrdal की अगर हम बात करें तो Gunnar Myrdal ने ये जो है बात की थी वो बात की थी रीजनल इनइक्वालिटीज के बारे में, और उन्होंने दो चीजें कही थी। पहली चीज, उन्होंने एक सर्वे जो है वो पब्लिश की थी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ यूरोप, और कौन से ईयर में की थी? 1954 में की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो रीजनल गैप है वो पुअर कंट्री में क्या है, लार्ज है, और रिच कंट्रीज में क्या है, कम है। और ये रीजनल गैप जो है वो पुअरर कंट्रीज में जो है वो इंक्रीज होता रहता है कंपैरेटिवली टू रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या रिचर कंट्रीज हम कह सकते हैं। ओके, तो किस एस्पेक्ट पे Gunnar Myrdal ने बात की थी? रीजनल इनइक्वालिटीज पे। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन सी थर्ड हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फेनिस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बेस्ड अपॉन। फियोरेनिस की जो थ्योरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वो किसके ऊपर बेस्ड है? फर्स्ट, ड्यूलिस्टिक अप्रोच टू डेवलपमेंट। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड है हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो जॉन फी और गुस्तव फ्रेनिस इन्होंने एक आर्टिकल दिया था, अ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनालिसिस, अ theory of economic development analysis। इस थ्योरी में इन्होंने बात की थी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की, और इन्होंने क्या बोला था कि ये जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो एक प्रोसेस चाहती है, एक ट्रांजिशन प्रोसेस चाहती हैं, और ये इकोनॉमी जो है वो मूव करना चाहती है कौन सी पोजीशन से, स्टेग्नेंट पोजीशन से कहा जाना चाहती है, एक सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ की तरफ मूव करना चाहती हैं ये इकोनॉमीज। और इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ अजम्पशंस ली थी, और अजम्पशंस क्या क्या थी? पहली बात, उन्होंने बोला था ये जो इकोनॉमीज होंगी वो कैसी इकोनॉमीज होंगी, डुअल इकोनॉमी होंगी, मतलब ये डिवाइडेड होगी ट्रेडिशनल में और स्टेग्नेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्लस इसमें एक इंडस्ट्रियल सेक्टर भी होगा जो एक्टिव होगा। सेकंड, उन्होंने बोला कि जो आउटपुट है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो किसका फंक्शन होगा, वो लैंड का होगा और लेबर का होगा, बस लैंड और लेबर का होगा। थर्ड, इन्होंने अजम्पशन ली कि यहाँ पे देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल इन द एग्रीकल्चर एक्सेप्ट एक सिचुएशन है लैंड रिक्लेमेशन के अलावा, बाकी सब चीजें क्या रहेंगी यहाँ पे, कॉन्स्टेंट रहेगी, कोई एक्युमुलेशन नहीं होगा कैपिटल में। तो ड्यूलिस्टिक अप्रोच की बात की थी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंस की बात की थी। तो जॉन फी और गुस्तव रैनिस ने अपने आर्टिकल में इन तीनों के बारे में बात की है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन तीनों पे बेस्ड बताई है। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, एंड्रे गुंडर फ्रैंक मेजर डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट सजेस्ट दैट द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू अंडर डेवलपमेंट। ये जो एक्टिविटीज हैं इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं, इकोनॉमी किसकी तरफ जाती है इन एक्टिविटीज की वजह से, अंडर डेवलपमेंट की तरफ जाती है। सबसे पहली चीज क्या दे रखी है, that replacing indigenous enterprises with technologically more advanced global subsidiary companies. दूसरा, closing the economy to trade with and investment from developed countries.
थर्ड पॉइंट, वर्कर्स माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू फॉरेन डोमिनेटेड अर्बन कॉम्प्लेक्सेस. फोर्थ है हमारा फॉर्मिंग एन अनस्किल्ड लेबर फोर्स टू वर्क इन फैक्ट्रीज एंड माइंस एंड ऑन प्लांटेशन. वी हैव गिवन द कोड्स, हमें करेक्ट कोड जो है वो चूज करना है. तो एंड्रे गुंडर फ्रैंक की अगर हम बात करें तो 1969 में इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था डिपेंडेंसी थ्योरी, जिसने आर्ग्यू किया था कि अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेडिशनली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली और सोशल इंस्टीट्यूशनली वो ट्रेडिशनल चीजों को यूज करते हैं, जबकि इसका मतलब है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नेशन भी इंक्लूडेड है यहाँ पे. इन्होंने क्या बोला है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है रिच कंट्रीज का वो कंट्रीब्यूट कर सकता है किसकी तरफ, अंडर डेवलपमेंट किसका, अफ्रीकन नेशंस का. तो इन्होंने सजेस्ट की है कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कंट्रीब्यूट करती हैं किसकी तरफ, अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमीज की तरफ, नॉट द डेवलपमेंट ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशंस. तो कौन कौन सी है, पहली replacing the indigenous enterprises with technologically more advanced global subsidiary companies. सही है ये. Second, इन्होंने जो बात की है वो बात की है opening the economy to trade with. Under development economy की तरफ contribute करेंगे तो we have to open the economy, not close. तो close तो हम नहीं कर सकते अपनी economy को. We have to integrate our economy with the world economy for becoming a developed country. So सेकेंड नहीं होगा. थर्ड हमारा क्या है, वर्कर्स माइग्रेट हो फ्रॉम विलेजेस टू फॉरेन डोमिनेटेड अर्बन कॉम्प्लेक्सेस, ये भी इन्होंने बात की है. और फोर्थ, एक अनस्किल्ड लेबर को फोर्स करना कि वो फैक्ट्रीज में, माइंस में और प्लांटेशन में काम करे, रिक्रूट करना जबकि उसकी जगह हाईली एजुकेटेड यूथ को, किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज. एक अनस्किल्ड लेबर फोर्स को हम कह सकते हैं कि वो फैक्ट्रीज में, माइंस में या प्लांटेशंस में काम करें. और उन्होंने ये क्या फील किया कि जो डेवलपमेंट है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की वो किसके हिसाब से हो सकती है, हम कहाँ से हेल्प ले सकते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज से हम वहां पे हेल्प ले सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. Now, moving to the next question, in an Herodian economy, input capital output ratio हमें दे रखा है 4.5:1. Population growth हमें कितनी दे रखी है 2% per annum और investment rate हमें कितना दे रखा है 27%. तो हमें annual growth rate बतानी है. तो कैसे निकलती है growth rate per capita? Investment rate divided by input capital output ratio minus the population growth. तो investment rate हमारी कितनी है 27, input capital output ratio कितना है हमारा 4.5 minus हमारी population growth कितनी है 2. इसको अगर हम solve करेंगे, इस point को टाके ऊपर 10 कर दो, this is 6, 45 6 जा, and 6 minus 2 that is 4%. तो ग्रोथ पर रेट, पर कैपिटा ग्रोथ रेट हमारी कितनी है 4%. ऑप्शंस में चले तो फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा. अगला 25th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें ये बताना है यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. मिल्टन फ्राइडमैन, उनकी बुक दे रखी है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम. सेकेंड अमर्त्य सेन, उनके आगे हमारी बुक का नाम लिखा है आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन. तीसरा है हमारा जोसेफ स्टिल्स, जोसेफ स्टिल्स के आगे लिखा है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ये जो थे वो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा रुचिर शर्मा, रुचिर शर्मा के आगे लिखा है राइज एंड फॉल ऑफ नेशन. तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी हमारा करेक्टली मैच नहीं है. तो अगर हम मिल्टन फ्राइडमैन की बात करें तो मिल्टन फ्राइडमैन कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम लिखी है, बिल्कुल सही बात है. अमर्त्य सेन ने आर्गुमेंटेटिव इंडियन लिखी है, बिल्कुल सही है. जोसेफ स्टिल्स ने ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिस्कवरी, प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी,
पीपल पावर, मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क, ये सारी किताबें लिखी है। ग्रेट डिवाइड लिखी है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जबकि जोसेफ स्किल्स ने मेकिंग ग्लोबलाइजेशन लिखी है, ना कि इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। रुचिर शर्मा ने राइज एंड फॉल ऑफ नेशन लिखी है, बिल्कुल सही है। तो हमें ये बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो जोसेफ स्किल्स हमारा करेक्टली मैच नहीं है, सो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द गोल्डन एज इक्विलिब्रियम इन ग्रोथ मॉडल ऑफ जॉन रॉबिन्सन। जॉन रॉबिन्सन ने जो ग्रोथ मॉडल दिया है, जिसमें उन्होंने गोल्डन एज इक्विलिब्रियम की बात की है, उनमें से ये कौन सी स्टेटमेंट जो हमारी गिवन है वो करेक्ट नहीं है। पहला, रेट ऑफ प्रॉफिट टेंड्स टू राइजिंग। दूसरा, लेवल ऑफ रियल वेज राइजेज विद द आउटपुट पर वर्कर। तीसरा है हमारा, टेक्निकल प्रोग्रेस न्यूट्रल होगा। और फोर्थ है हमारा, पॉपुलेशन जो है वो एक स्टेडी रेट पे ग्रो करेगी। तो अगर हम बात करें जॉन रॉबिन्सन की, तो जॉन रॉबिन्सन ने इकोनॉमी जो है वो कंसीडर की है गोल्डन एज में, कब, जब हमारी पोटेंशियल ग्रोथ, जब हमारी पोटेंशियल ग्रोथ जो है, पोटेंशियल ग्रोथ रेशियो जब हम रियलाइज कर लेंगे, वो सिचुएशन होगी हमारी गोल्डन एज की। तो पोटेंशियल ग्रोथ रेशियो क्या है, हाईएस्ट रेट ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन जो परमानेंटली मेंटेन रहे एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ प्रॉफिट, एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ प्रॉफिट, ये बात की गई है जॉन रॉबिन्सन ने, उन्होंने ये बात की। उन्होंने कंडीशन क्या दी है गोल्डन एज की, कि ग्रोथ रेशियो जो है वो हमारा स्टेडी कब रहेगा और क्यों रहेगा, बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द ग्रोथ रेशियो इट्स डिस्टर्बिंग। अगर हमारे ग्रोथ रेशियो में फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहे तो वो हमारी गोल्डन एज ट्रैंक्विलिटी को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। और जरूरी नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है कि जब हमारा ग्रोथ रेशियो क्या रहे, स्टेबल रहे। तो गोल्डन एज ऐसा नहीं है कि गोल्डन एज कोई एक आइडियल सिचुएशन है, वो सिर्फ रिप्रेजेंट करती है ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को सिर्फ रिप्रेजेंट करती है हमारी गोल्डन एज, जो हमें अचीव करनी होती है ताकि हम एक सिचुएशन पे जो है वो पहुंच सके, एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे हम आ सके। इसे हम कहते हैं गोल्डन एज की सिचुएशन, मीन्स इट इज नॉट अ वेरी, बहुत अच्छी नहीं है कि हम इसे बेस्ट सिचुएशन मानते हैं, नहीं। सो यहाँ पे कॉन्स्टेंट रेट ऑफ प्रॉफिट की बात की गई है। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन वन है हमारा, कि हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जिसमें से हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, ये क्वेश्चन तो हम शायद बहुत बार कर चुके हैं, 15-16 से नहीं, हमारा करंट पूछा जाएगा इस बार। ये असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे मेंटेन करना है एट द परसेंटेज ऑफ देयर जीडीपी। ये क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, पता नहीं कितनी बार मैंने ये क्वेश्चन करवाया है आप लोगों को, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो सबसे पहले हमारा गिवन है रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारा कितना है, 3.27%। दूसरा है हमारा इफेक्टिव डेफिसिट। इफेक्टिव डेफिसिट हमारा कितना है, 2.36%। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारा कितना है, 2%। और फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना है, 4.59%। अब इसे आपको असेंडिंग में बोले, डिसेंडिंग में बोले, जैसे भी बोले अरेंज कर देना। फिस्कल डेफिसिट 4.59%, प्राइमरी डेफिसिट है हमारा 2%, इफेक्टिव डेफिसिट या इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट है हमारा 2.36%, और रिवेन्यू डेफिसिट है हमारा 3.27%। ओके, दिस इज द रेट, दिस इज द परसेंटेज इन जीडीपी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 26। एक सेकेंड, पता नहीं आज ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा गिवन है, व्हाइल रिकमेंडिंग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया वोट द लीस्ट वेटेज बाय द 14th फाइनेंस कमीशन। ये क्वेश्चन भी हमने किया है जब हमने पब्लिक फाइनेंस का जो है वो टॉपिक किया था।
इसकी अगर हम बात करें, और ये मैंने टेलीग्राम पे भी लिस्ट जो है वो शेयर की है आप लोगों के साथ, सो अकॉर्डिंग टू दैट 14th फाइनेंस कमीशन की अगर किसे सबसे कम लीस्ट वेटेज मिली है, पॉपुलेशन को मिली है 10%. तो अकॉर्डिंग टू 14th फाइनेंस कमीशन हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन दैट इज 10%. एक बार ये जो है पब्लिक फाइनेंस की वीडियो ध्यान से देख लेना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, और एक बार उसे रिवाइज कर लेना क्योंकि उसमें मैंने सारे करंट अफेयर्स जो है वो इंक्लूड किए हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. इफ इन अ ईयर द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट इज 3 लाख करोड़, रिवेन्यू डेफिसिट इज 1,50,00 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट है 80,000 करोड़, तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा क्या होगा. तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. तो 3 लाख में से 80,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 2,20,000 करोड़. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. एज पर प्रपोजल ऑफ यूनियन बजट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम शेयर आउट ऑफ टोटल टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन. कॉर्पोरेशन टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, इनकम टैक्स. तो कॉर्पोरेशन टैक्स करंट के अकॉर्डिंग भी यही सही है, मैक्सिमम शेयर है. ऑप्शन ए हमारा सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन पब्लिक एक्सपेंडिचर आर एट्रिब्यूटेड टू. किन्हें इसका मेन कंट्रीब्यूशन जाता है कंसंट्रेशन और डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का. एलन टिपिकॉक, जैक वाइसमैन, ए आर प्रेस्ट, आई एम जे लिटिल, ए सी पिगू, जे के मेहता, किनित एरो और पॉल ए सैमसन. कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें इसका जो है वो शेयर जाता है. तो अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो पिकॉक वाइसमैन थ्योरी है जिसमें इन्होंने कंसंट्रेशन और डिस्प्लेसमेंट की बात की है. पिकॉक वाइसमैन पूरी थ्योरी है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट वेगनार लॉ एंड पिकॉक वाइसमैन, इन्होंने 1961 में ये जो थ्योरी है वो डेवलप की थी जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस. और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्राइसिस हैं वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो हेल्प करेंगे टू ओवरकम द टैक्स पेयर रेजिस्टेंस विच आर पेइंग द हायर टैक्सेस. और पॉलिटिशियंस जो हैं वो पब्लिक सेक्टर शेयर जो है जीडीपी में वो इंक्रीज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हाइपोथेसिस. और अगर एक बार ये क्राइसिस जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं तो पीपल जो है वो यूज टू हो जाएंगे इतने हाई टैक्स पे करने के, और जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में वो भी जो है वो इंक्रीज होगा इंस्टेड ऑफ फॉलिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो ये जो फिनोमिना है इसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. तो इसमें पिकॉक और वाइसमैन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन रहा है. सो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वर्डुन्स लॉ. वर्डुन्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है. पहला, लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी जनरली ग्रोज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ आउटपुट ग्रोथ. थर्ड, शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी जनरली ग्रोज प्रोपोर्शनली टू द ग्रोथ ऑफ आउटपुट. थर्ड है हमारा, लॉ ऑफ वर्डुन्स कोफिशिएंट इज नियरली इक्वल टू 1. और फोर्थ है हमारा, वर्डुन्स लॉ इज क्वाइट इन कॉन्सेंस विद सोलो मॉडल फंक्शनिंग. तो वर्डुन्स लॉ की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है कि लॉन्ग रन में देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रोथ इन आउटपुट एंड बिटवीन द ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी. आउटपुट में और प्रोडक्टिविटी में क्या रहेगी, लीनियर रिलेशनशिप है और ये जो है वो ग्रो करेंगे. और इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया है उन्होंने अपनी एक थ्योरी से जिसका नाम था कॉम्युलेटिव पोजेशन. इस थ्योरी में इन्होंने बात की थी प्राइमरली किसके बारे में, ग्रोथ के बारे में. ग्रोथ जो है वो किसमें है, इफेक्टिव डिमांड में, जो किसकी वजह से आ रही है, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ की वजह से आ रही है. और इसका जो लार्जर प्रोपोर्शन है वो किसकी तरफ जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर की तरफ. मीन्स यहाँ पे बात की गई है लर्निंग बाय डूइंग की. ओके, इस थ्योरी में ये रिलेशनशिप क्या बताता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी विद द हायर आउटपुट एंड देयर इज एन ऑल्सो एक्सटेंशन इन द मार्केट. मार्केट भी क्या होगी, एक्सटेंड होगी और नई नई मार्केट्स जो है वो ओपन करेगी. ये जो थ्योरी है वो सजेस्ट करती है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी और इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से कंप्लीट मार्केट भी जो है वो ग्रो करेगी. सो दिस इज द लाइन ऑफ द रीजनिंग विच वर्डुन्स लॉ एक्सप्लेन्ड अक्रॉस द नेशंस रीजन इंडस्ट्री विच इज यूजिंग द रीजनल लेवल और इंडस्ट्री लेवल डाटा. सो अकॉर्डिंग टू वर्डुन्स लॉ कौन सी स्टेटमेंट सही है कि लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी जनरली ग्रो करेगी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द आउटपुट ग्रोथ.
सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए क्या होगा हमारा बिल्कुल सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच अमंग द फॉलोइंग कैन कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूवमेंट इन इंडस्ट्रीज. सो डेवलपमेंट बैंक, ट्रेड यूनियन, नेचुरल रिसोर्सेज या फिर ऑल ऑफ द अबव. कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन सी चीज कंट्रीब्यूट करती है टू द इम्प्रूवमेंट इन इंडस्ट्रियल क्लाइमेट ऑफ द रीजन. तो डेवलपमेंट बैंक्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, रिसर्चर इंडिकेट दैट इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी इज फॉलिंग ओवर टाइम ड्यू टू. इनकम वेलोसिटी जो है मनी की वो फॉल कर रही है, वो क्यों कर रही है, क्या रीजन है इस चीज का. ऑप्शन हमें क्या गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है इनकम वेलोसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज ग्रेटर देन यूनिटी. सेकंड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज लेस देन यूनिटी. थर्ड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू 1. और फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ द अबव. तो इनकम वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इनकम वेलोसिटी का मतलब होता है रेशियो ऑफ द लेवल ऑफ द रियल इनकम टू द डिमांड ऑफ रियल बैलेंस टू द डिमांड फॉर रियल बैलेंस. दिस रेशियो इज द इनकम वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है, फंक्शन है किसका, रियल इनकम का और इंटरेस्ट रेट का. जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है हमारी जो डिमांड है रियल बैलेंस की वो कम हो जाती है और वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. जब हम किसी मनी को होल्ड करके रखते हैं और उसकी कॉस्ट ज्यादा हो तो मनी होल्डर क्या चाहेगा कि उस पैसे को रखने के बजाय मैं क्या है किसी काम में लगा दूं. तो रिसर्चर ये इंडिकेट करते हैं कि इनकम वेलोसिटी जो है वो मनी की वो फॉल करती है. क्यों, क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज ग्रेटर देन यूनिटी. सो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा यहाँ पे. नाउ क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू मोनेटरिस्ट डिमांड फॉर मनी फंक्शन इज. मनी डिमांड फंक्शन क्या है, स्टेबल है, इंटरेस्ट इलास्टिक है, कॉन्स्टेंट है, इंटरेस्ट इलास्टिक है, थर्ड स्टेबल इंटरेस्ट इलास्टिक है या फोर्थ अनस्टेबल इंटरेस्ट इलास्टिक है. तो मोनेटरिस्ट के अकॉर्डिंग डिमांड फॉर मनी फंक्शन इट इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक एंड इट इज कॉन्स्टेंट. इंटरेस्ट इन इलास्टिक एंड इट इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, स्टेबल फंक्शन है ये, स्टेबल है और इंटरेस्ट इन इलास्टिक है, स्टेबल है और इंटरेस्ट इन इलास्टिक है अकॉर्डिंग टू द मनी डिमांड फंक्शन. ठीक है, और अगर यहाँ पे मोनेट्रिस्ट की जगह अगर केन्जियन की पोजीशन पूछी जाती है यहाँ पे, तो केन्जियन जो है वो स्टेबल नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है और वो इंटरेस्ट इलास्टिक है. इंटरेस्ट इलास्टिक है क्या, डिमांड फॉर मनी फंक्शन. लेकिन मोनेट्रिस्ट का पूछा गया है तो वो स्टेबल है और इंटरेस्ट इन इलास्टिक है. ठीक है, यहाँ पे मोनेट्रिस्ट की बात करें तो यहाँ मनी वेजेस फ्लेक्सिबल होते हैं, प्राइस जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन केन्जियन जस्ट अपोजिट होता है, रिलेटिवली ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं मनी वेजेस. सो डिमांड फॉर मनी फंक्शन इज स्टेबल एंड इंटरेस्ट इलास्टिक. सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, अरेंज द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले सबसे ज्यादा लिक्विड किसकी होती है, करेंसी, उसके बाद डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड सबसे लास्ट में क्या होती है हमारी, टाइम डिपॉजिट. सबसे लास्ट में होती है हमारी टाइम डिपॉजिट. सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए लास्ट में आना चाहिए. सो सेकंड ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा. सबसे ज्यादा लिक्विड क्या है, करेंसी सबसे ज्यादा लिक्विड है, उसके बाद डिमांड डिपॉजिट है, उसके बाद सेविंग डिपॉजिट है और उसके बाद टाइम डिपॉजिट है. मनी वाला टॉपिक भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है. ऑप्शन सेकंड हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा. सो दिस इज पार्ट 4 ऑफ जैन 2017 क्वेश्चंस, पेपर 3 के हम कर रहे हैं, आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीएनएट इकोनॉमिक्स. कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो करिए. थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय.